हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं बिरला टायर लिमिटेड शेयर की, और इसका हम आज फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित हमने आपको जब कमेंट के लिए बोला था तो आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिखाया और एस लिख के भेजा है। तो हम आज इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये कंपनी वास्तव में आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, या फंडामेंटल इसका कितना मजबूत है, और मजबूत अगर है तो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखने की इसमें कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज के इसमें कुछ भी चार्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इससे संबंधित जो चीज़ें हम पिछले वीडियो में इसमें बता चुके हैं उसको इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो हम आपसे बता रहे थे कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसका चार्ट इसमें दिखाई नहीं देगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें NCLT की प्रक्रिया चल रही है, और जब NCLT की प्रक्रिया किसी भी में चलती है तो उसको IRP स्टेज वन में डाल दिया जाता है। अब IRP स्टेज वन में डालने के कारण इसमें जो है एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत, और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है। तो पिछले दिनों इसमें ट्रेडिंग हुई है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ट्रेडिंग अब बंद हो गई और ये अगले सोमवार को इसमें सिर्फ ट्रेडिंग होगी। तो आज हम इसी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये कंपनी आगे चल के कितना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डरों को दे सकती है, और इसका जब NCLT की प्रक्रिया फाइनल होगी तो इसमें क्या चीज़ कुछ होने वाला है। कि इससे पहले जब हम इसमें वीडियो बनाए थे तो बताए थे कि इसको डालमिया ग्रुप जो है खरीदने वाला है, और ये कितने में बोली लगी थी, क्या लगा था इसका जो है पूरा फुल वीडियो हम पिछले दिनों बना चुके हैं, उसको हम इसके इन स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले इस थोड़ा सा BSE की वेबसाइट पर चलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसमें ये IRP1 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या वह लिख के आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, हम आगे BSE की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इसमें 5% का अपर सर्किट दिखाई दे रहा होगा, जो कि पिछला सेशन जब सोमवार का हुआ था, पिछले दिन 28 तारीख को, तो ये तब का दिखा रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट IBC ने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। हम इसी IRP स्टेज वन की बात कर रहे थे, जिसमें स्टेज वन में शामिल कर लिया गया है। जब पिछली बार हम वीडियो बनाए थे तो इसको स्टेज जीरो में इसको शामिल किया गया था, अब ये स्टेज वन में आएगा, इसके बाद स्टेज वन से टू में जाएगा, टू के बाद ये थ्री और फोर से होते हुए 5 के बाद ये जब NCLT की जब प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी तो उसमें से ये निकल जाएगा, फिर इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसमें सोमवार को ट्रेडिंग होगी। फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें तो आज ट्रेडिंग हो नहीं रही है, इसलिए ये जो है चार्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। पिछले 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे इसने लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया अपने शेयर होल्डरों को। वहीं अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने लगभग 30% का रिटर्न निकाल कर दिया है, और इसमें लगातार अपर सर्किट लग रही थी। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 35% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर ये टेल डेट की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 24 से 25% का रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर एक साल की बात करें तो इसमें आप देखिए कि एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 10% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये आप देख रहे होंगे, ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2020 में, तब से लेके ये NSE पे लिस्ट हुई थी 2020 में, तब से लेके ये शेयर अभी तक इसमें लगातार गिरावट ही दिखाई दे रही होगी, और ये वर्तमान में जो कर्ज से दबे होने के कारण इसमें लगातार गिरावट दिखी जा रही है। हालांकि एक समय था कि ये जो बिरला जो टायर थी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वोडाफोन आइडिया जो बिरला ग्रुप की आइडिया कंपनी थी वो भी बिक गई, और ये इसकी भी बिकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसकी सबसे जो बड़ी बोली लगाने में डालमिया ग्रुप आगे आया है, और यही कारण है कि इसमें NCLT की प्रक्रिया चालू हो गई है, और जिसके कारण इसमें आप देख रहे होंगे कि जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये लगभग 52% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब हम चलते हैं दोस्तों और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कंपनी है, ये इसमें बताया जा रहा है कि ये जो वाइड रेंज ऑफ टायर फ्रॉम द मोटरसाइकिल टू फ्रॉम ट्रैक्टर, अर्थात ये जो कंपनी है ये मोटरसाइकिल से लेके, जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं उससे लेके और ट्रैक्टर तक सारे जो भी व्हीकल्स हैं उसमें ये टायर का निर्माण करती है, और इसका सारे प्रोडक्ट उसमें बेचे जाते हैं। साथ ही साथ ये कंपनी ये बता रही है कि ये जो ट्रक है, बस है, और पैसेंजर कार के साथ साथ जो दो पहिया वाहन हैं उसके भी टायर का ये निर्माण करती है, और साथ ही साथ ये तीन व्हीलर जो गाड़ियाँ बनती हैं उनका भी ये टायर निर्माण करते हैं, और ये फार्म एंड माइनिंग टायर्स का भी ये निर्माण करते हैं। ये जो देखे होंगे जो आजकल रेगिस्तान में जो टायर चलते हैं, और साथ ही साथ जो पहाड़ों पर जो चढ़ाई करने के लिए टायर लगाए जाते हैं उनके भी ये कंपनी निर्माण करती है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी, इसका एक वाइड रेंज है, बहुत ही बड़ा रेंज है, जिसमें मोटरसाइकिल से लेके ट्रक के साथ साथ बस और पैसेंजर गाड़ियाँ सारी उनसे संबंधित ये टायर का निर्माण करती है। इस कंपनी की बात करें तो बिरला टायर के नाम से ये अपना ब्रांड चलाती है,
और यही जो है कारण है कि ये जो बिरला टायर है इसी नाम से ये BSE पे भी लिस्ट है और इसी नाम से ये बिरला टायर के नाम से ही अपना ब्रांड चलाती है और मार्केट में उतारती है। चूँकि अभी इसका नया डेटा उपलब्ध इतना नहीं है क्योंकि ये भी NCLT की प्रक्रिया से गुजर रही है, तो इसमें अब जो डेटा इसमें दिखाई दे रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 का और फाइनेंशियल ईयर 2018 का इसमें डेटा दिखाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो जियोग्राफिकल इसका प्रेजेंस है उसमें से 69% जो है ये इंडिया से अपना प्राप्त करती है इसका जो भी रेवेन्यू होता है, और वहीं 2018 में ये 85% प्राप्त करती थी। वहीं आउटसाइड जो इंडिया उससे 31% प्राप्त करती है और 2018 में ये 15% रेवेन्यू प्राप्त करती थी, इसका जो जियोग्राफिकल जो प्रेजेंस था वो था। अर्थात वर्तमान में अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से ये NCLT की प्रक्रिया से गुजर रही है उस हिसाब से इसका मार्केट प्रेजेंस अच्छा रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी भी देख रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये 70% के आसपास इसका टोटल मार्केट प्रेजेंस था इंडिया में, और आउटसाइड में इसका 31% के आसपास था। हालांकि वर्तमान की बात करें तो ये लगभग हो गया होगा 50% के आसपास में, यानी 50-50 हम मान के चलें तो इसका प्रेजेंस अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। अर्थात ये कंपनी जो है इंडिया के साथ साथ आउटर साइड यानी विदेशों में भी अपना व्यापार फैलाए हुई है। तो हम अगर इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये बालासोर उड़ीसा जो कि वहाँ पर इसका सबसे बड़ा प्लांट है, और ये वहाँ से लगभग 16.1 मीट्रिक टन टायर का पर एनम निर्माण करती है। अब इसके साथ साथ अगर इसके क्लाइंट की बात करें, यहाँ पे देखिए आप कि इसके क्लाइंट में भी बड़े बड़े नाम हैं, जो सबसे जो बड़ा नाम है उसमें 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनका नाम है, उसमें बजाज है, हीरो है, होंडा है, काइनेटिक है, LML है, महिंद्रा है, और साथ ही साथ इसमें महिंद्रा के बाद इसके अलावा जो भारत की दिग्गज जो कंपनी टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, ये सारे कमर्शियल में जुड़े हुए हैं, जबकि ऊपर वाले जितने अभी हम बताए थे ये 3 व्हीलर में इसके क्लाइंट हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें आप बता रहे हैं कि इसमें सुजुकी है, TVS है, वस्पा इंडिया है, यामाहा है, वोल्वो है, व्हीकल्स हैं आदि, इसमें सारे के सारे इसमें क्लाइंट जुड़े हुए हैं। जो कि एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं कि इसमें रॉयल इनफील्ड भी शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके क्लाइंट ज़बरदस्त हैं, लेकिन इतने क्लाइंट अच्छे होने के बावजूद आखिर ये क्यों ये कंपनी NCLT में चली गई? इसका मुख्य कारण ये है कि ये कंपनी डेब्ट से भरी कंपनी है और ये इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं रहा जिसके कारण ये कंपनी NCLT की प्रक्रिया में चली गई। और इसका जो जीता जाता उदाहरण आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया, जब आइडिया वोडाफोन से मर्ज हो गया तो उसमें इसका मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसमें डेब्ट किसी भी कंपनी में डेब्ट होना और मैनेजमेंट का सही ना होना किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। और यही कारण है कि आप आइडिया के बिकने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं टायर भी बिकने के कगार पे खड़ा हो गया, क्योंकि इसका क्लाइंट बेस तो बहुत जबरदस्त है, साथ ही साथ इस कंपनी का फंडामेंटल भी पहले बहुत अच्छा था लेकिन वर्तमान में ये बहुत खराब हो गया है। अब हम अगर इसके कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 170 इसके सेल्स डिपोर्ट्स हैं और 2329 एक्टिव डीलर्स हैं। इसकी इतनी बड़ी प्रेजेंस होने के बावजूद भी ये कंपनी देखिए बिकने के लिए तैयार हो गई है और बहुत ही कम में बिक रही है। मेजर लोकेशन इन इंडिया था, इंडिया में ही लगभग 2400-2500 इसके टोटल डीलर हैं, और साथ ही साथ इसके इंटरनेशनल नेटवर्क भी बहुत ही अच्छा रहा है। अगर हम इसके ग्रुप की बात करें तो ये आप सुने होंगे बिरला ग्रुप, BK बिरला ग्रुप, उसी की ये कंपनी है और इसका लगभग 100 साल हो गए इस कंपनी के बारे में, और BK बिरला ग्रुप की ही सबसे बड़ी कंपनी है। चूँकि हम पहले सुनते थे कि टाटा और बिरला ग्रुप, उसी बिरला ग्रुप का ये एक पार्ट रहा है। हम अगर इसके डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो यही कारण है कि डेब्ट के कारण ही ये कंपनी वर्तमान में NCLT की प्रक्रिया में चल रही है, और ये डालमिया ग्रुप जो है उसे खरीदने के लिए आगे आया है और वो सबसे बड़ी बोली लगाया है। तो ये डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग अभी तो फिलहाल चल रही है, अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जब भी इससे संबंधित जो फाइनल न्यूज आएगा उसको हम इसी वीडियो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर हम डीमर्जर की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 2021 में ये डीमर्ज हो गई थी ये के नाम से, और यही आपको अभी हम दिखा रहे थे कि ये जो कंपनी 2021 में ही NSE पे लिस्ट हुई थी। तो ये दोस्तों ये रहा इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जिसके बारे में हमने आपको चर्चा की। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा फंडामेंटल को भी देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप आप देख रहे होंगे कि इसका मार्केट कैप मात्र 80 करोड़ के आसपास है, जो ये दिखा रहा है कि ये एक पेनी स्टॉक है। अर्थात इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कंपनी है अगर आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखती है तो ये आपको ये दिवालिया घोषित करने की भी क्षमता रखती है। तो आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है फंडामेंटल तो देखिएगा ही, साथ ही साथ इस कंपनी की वेबसाइट भी विजिट करिएगा और वहाँ से इसकी कंपनी के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करिएगा, और इसमें आप उतना ही पैसा लगाइएगा
जो आप रद्दी कबाड़ बेचने के बाद जितना पैसा आपको मिलता है, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो इस कंपनी की कोई भी संभावना नहीं है कि आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, तो इसमें पैसा डूबने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और जब भी आप पैसा लगाइएगा उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो आप हम बता रहे थे कि आपको ये जो इसका मार्केट कैप है बहुत ही कम है, जिसके कारण ये जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से गिरने की भी क्षमता रखती है। और ये अभी फिलहाल तो NCLT की प्रक्रिया में चल रही है, तो जब भी कोई कंपनी NCLT की प्रक्रिया में चलती है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि इसमें उतना ही पैसा लगाएं जितना जाने के बाद हमें असर ना, क्योंकि इसमें एक चीज़ कोई अभी संभावना नहीं लगाई जा सकती कि कितने रेशियो में इसके शेयर जो है वो हमें मिलेंगे, और ये अगर मिलेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ये कंपनी डी लिस्ट करके फिर से लिस्ट कर दी जाए, तो ये भी संभावना है। जैसे आप रोसिच सोया के केस में देख सकते होंगे कि जो कंपनी को पहले रेशियो में बांटा गया, लगभग 100 शेयर के बदले 1 शेयर दिया गया था, तो ऐसा संभावना हो सकती है। तो इसका मार्केट कैप मात्र 80 करोड़ के आसपास है, और जो कि एक पेनी शेयर के तरफ दर्शाता है। इसका स्टॉक भी अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका अभी ये डेप्ट स्ट्रक्चरिंग इसमें चल रही है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड बहुत ही बेकार है, माइनस में है, जो कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका स्टॉक पी भी पॉजिटिव में होना चाहिए, जो कि नहीं दिखा दे रहा है। अगर हम इसके डेब्ट की बात करें तो इस पे 1154 करोड़ के आसपास का डेब्ट है, प्रॉफिट माइनस में है, आप देख रहे होंगे। और करंट प्राइस की बात करें तो ये आपको हम बता ही चुके हैं कि लगभग 5.65 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू इसका माइनस में है, अर्थात ये बता रहा है कि आप अगर इस समय ये कंपनी NCLT की प्रक्रिया में तो चली रही है, दिवालिया घोषित हो ही गई है, तो आपको अगर इसका शेयर का अगर पैसा मान लीजिए अगर डूबता है तो आपको एक आना भी इसको नहीं मिलेगा, कुछ पैसा आपको नहीं मिलने वाला शेयर के बेचने के बाद। तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पेग रेशियो इसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग हालांकि 33% है, जो आगे चल के आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर इसके 52 हाई की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 52 हाई इसका 5.88 रुपये है, जो कि अभी वर्तमान में 5.88 रुपये पर ही ट्रेड कर रही है। 52 लो की बात करें तो 3.75 रुपये पर है, जो ये बहुत एक साल में इसने बनाया है लो। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, फेस वैल्यू अभी भी है 10 रुपये है, जो कि ये दिखा रहा है कि अगर ये कंपनी NCLT की प्रक्रिया से गुजर के आगे अगर लिस्ट हो गई, इसमें ट्रेडिंग प्रॉपर सही होना शुरू हो गया, तो ये आपको स्प्लिट की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री पी इसमें लगभग 26 के आसपास है, प्लीज परसेंटेज 0 है, जो ये प्रमोटर होल्डिंग 33% बने हुए हैं उसमें कुछ प्लीज इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम थोड़ा इसके कंपटीटर की बात कर लें तो आप यहाँ पे देखिए इसके सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो है MRF, और MRF का इसमें प्राइस जो है 1,08,719 रुपये है, एक शेयर का प्राइस है 1 लाख रुपये से ज़्यादा, 1,08,000 रुपये इसका एक शेयर का प्राइस है MRF का, जो कि आप देख रहे हैं। क्यों इसका एक कारण ये है कि इसमें जो है इसने ना स्प्लिट और बोनस कुछ नहीं दिया है अभी तक, इसी कारण इसको सबसे ज़्यादा मतलब 1 लाख के ऊपर इसका शेयर प्राइस है, जो कि सबसे महंगा शेयर है। उसके बाद ये दूसरा जो कंपटीटर है जिसका नाम आप भी जानते होंगे हैं, बालकृष्णा इंडस्ट्री SR, जिसे हम BKT टायर के नाम से जाते हैं। उसके बाद अपोलो टायर है, CA टायर है, JK टायर है, गुड ईयर इंडिया TBS का टायर है, और इसके बाद 8वें नंबर पे आता है बिरला टायर। तो इसके कंपटीटर भी बहुत अच्छे अच्छे कंपटीटर हैं, और ये जब कंपनी फिर से जब अपने पैरों पे खड़ी होगी NCLT प्रक्रिया के बाद, तो आप देखेंगे ये कंपनी भी अच्छा खासा प्रोग्रेस दिखाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बाइक की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात की जा रही है, भविष्य इसका बहुत उज्ज्वल है। बस इसमें एक ही चीज़ क्वेश्चन मार्क है, वो है इसकी NCLT की प्रक्रिया और इसका डेब्ट से दबा होना। जब इसमें डालमिया ग्रुप इसको प्रॉपर एक्वायर कर लेगा, जो कि 1 से 1.5 साल इसमें लगते हैं, तो उसके बाद इसको आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब हम इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हम सेल्स देखेंगे, इसका एक्सपेंस देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। अगर इसके सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके सेल्स का 2022 के बाद कोई भी डेटा इसमें उपलब्ध नहीं है, और इसमें जो सेल्स था वो 0 था। आप देख रहे हैं दिसंबर में भी 0 था, सितंबर 2022 में भी 0 था, और ये जो कंपनी एक्सपेंस कर रही थी जहाँ सितंबर 2022 में 3 करोड़ का, वो घट के माइनस में आ गया था दिसंबर में। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे हैं कि इसका सेल्स 0 दिखाई देने के कारण इसमें आप लगातार NCLT प्रक्रिया चालू हो गई, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.35 करोड़ के आसपास था। वहीं ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये दिसंबर 2022 में था। दिसंबर 2022 के बाद जो 2 क्वार्टर बीते हैं मार्च और जून का, उसमें आप इसका कोई भी डेटा अभी फिलहाल में उपलब्ध नहीं है। तो दिसंबर 2022 में इसका 0.35 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था,
वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये लगभग 5 करोड़ का इसको घाटा हुआ था, जो कि दिसंबर 2022 में ये डेटा दिखा रहा है। तो इसमें आप बस इतना ध्यान रखिए कि इसका डेटा अभी पूरा उपलब्ध नहीं है, और जिसके कारण हम आपको सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2022 तक ही डेटा दिखा रहे हैं। तो दिसंबर में 2022 में लगभग इसको 5 करोड़ का घाटा हुआ था, और इसी घाटा के कारण सबसे बड़ा जो लेंडर थी वो थी एक्सिस बैंक, वो चली गई NCLT में, और NCLT के बाद जाने के बाद ये प्रक्रिया NCLT प्रक्रिया शुरू हो गई और इस कंपनी पे बिड लगना शुरू हो गया। उसमें कई कंपनियां जो आई, जिसमें सबसे बड़ी जो कंपनी थी वो थी डालमिया ग्रुप कंपनी, जो सबसे बड़ी बोली लगाई। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये मार्च 2022 और मार्च 2021 का ही डेटा उपलब्ध है, मार्च 2023 का इसका डेटा उपलब्ध आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग हुई नहीं, सेल्स जीरो था, ग्रोथ इसका जीरो था, तो उसमें ट्रेडिंग से संबंधित कोई भी डेटा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। और मार्च 2022 में ही ये देख रहे होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, मार्च 2021 में भी माइनस में था, मार्च 2020 में भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए मार्च 2022 में जहाँ नेट प्रॉफिट माइनस घाटे में था लगभग 450 करोड़ के आसपास, वहीं मार्च 2021 में भी ये घाटे में दिखाई दे रहा होगा लगभग 650 करोड़ का। तो ये घाटे कंपनी लगातार चली आ रही है और इसका घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब हम थोड़ा इसके ग्रोथ की बात कर लें तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका ग्रोथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर दिखाई भी दे रहा है ट्रेलिंग 12th मंथ में तो माइनस में दिखाई दे रहा है। इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लगभग सारे के सारे जीरो में दिखाई दे रहे होंगे। और इसके अलावा स्टॉक जो प्राइस CAGR है, जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है, वो माइनस में 4% दे रहा है, एक साल में 10% का दिखाई दे रहा है, जो कि ये डेटा जो है उपलब्ध नहीं है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये सारे के सारे कुछ इसमें डेटा दिखाई आपको नहीं दे रहे होंगे। अब हम थोड़ा रिजर्व और बोरोइंग की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए रिजर्व और बोरोइंग, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्च 2022 में जहाँ इसका रिजर्व माइनस में था, यानी घाटे में कंपनी थी, इसका कुछ रिजर्व नहीं था, 1364 करोड़ के आसपास माइनस में रिजर्व था, वहीं इसका डेप्ट जो है 1138 करोड़ के आसपास इसके ऊपर डेप्ट था। और ये जो रिजर्व है सितंबर 2022 में बढ़ के 1400 करोड़ के आसपास माइनस में चला गया, और इसका डेप्ट भी बढ़ा और लगभग 1154 करोड़ के आसपास इस पर बहुत भारी भरकम डेप्ट हो गया। वो भी इतनी छोटी कंपनी पे इतना भारी भरकम डेप्ट होना और इसका रिजर्व माइनस में होना अपने आप में दिखा रहा है कि इसका जो फंडामेंटल जो है बहुत ही घटिया फंडामेंटल है, और यही कारण है कि ये कंपनी NCLT की प्रक्रिया में चली गई। और इस पर इतना भारी भरकम डेप्ट होना, रिजर्व माइनस में होना, अपने आप में ये कंपनी को NCLT प्रक्रिया में लाने में बहुत बड़ा मददगार साबित हो गया। अब हम अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए मार्च 2023 का अपडेटेड डेटा है, इसमें जो है 33% के आसपास प्रमोटर के पास ये होल्डिंग थी, और FIIs के पास जीरो था, DIIs के पास नगण्य था, माइनस में था, गवर्नमेंट के पास भी जीरो था, और पब्लिक के पास लगभग 67% के आसपास टोटल प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है। अर्थात इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि प्रमोटर अपना माल लगातार इसमें बेचते जा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम चल गया था कि इसका फंडामेंटल बहुत ही घटिया होता जा रहा है, और यही कारण है कि इसमें लगातार प्रमोटर अपना माल निकालते जा रहे थे। और पब्लिक यहाँ पे देखिए लगातार जो है भर्ती चली जा रही थी, इसमें ज़्यादातर वही होंगे जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे, और इसी रिटेल इन्वेस्टरों में जो पब्लिक में इसी में होते हैं ऑपरेटर, जो कि सारा खेल करते हैं, और यही ऑपरेटर जो है ऊपर चढ़ाते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं और बाद में प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ जहाँ DIIs और FIIs के पास अच्छी खासी होल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ ये इसमें बहुत ही कम हो गई है। देखिए मार्च 2020 की बात करें तो इसमें DIIs लगभग 3.5% के आसपास थे, और FIIs तो हालांकि शुरू से इसमें नहीं रहे हैं, लेकिन ये देखिए एक समय ऐसा आया था कि DIIs जो है लगभग 4.5% के आसपास हो गए थे, जो कि घट के इसमें 0% के आसपास आ गए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस देखने के बाद बस एक ही चीज़ इसमें निकल के आती है कि आप जो है इस शेयर से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही बेकार है। और दूसरी बात ये कि इस कंपनी पे अभी भी NCLT की प्रक्रिया चल रही है, जब भी कोई कंपनी पे NCLT की प्रक्रिया चलती है तो उसमें ये कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि क्या रेशियो निर्धारित होगा, किस रेशियो में ये शेयर मिलेंगे। मान लीजिए अगर डालमिया ग्रुप खरीद लेता है तो क्या निर्धारित करेगा। और एक चीज़ और इसमें निकल के आती है, क्या ये कंपनी फिर लिस्ट होकर डीलिस्ट होकर लिस्ट तो नहीं हो जाएगी, और इसमें जो भी प्रक्रिया ये अपनाई जाएंगी उससे सिर्फ और सिर्फ जो शेयर होल्डर होंगे, पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे, उन्हीं को घाटा होता है, क्योंकि जो प्रमोटर होते हैं वो तो ऑलरेडी जो है इसमें से निकल जाएंगे इस कंपनी को NCLT प्रक्रिया फाइनल होने के बाद, और जो
रिटेल इन्वेस्टर होंगे जो पब्लिक में ऑपरेटर छुपे रहते हैं, उनको तो पहले ही कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। तो फंसते हैं सिर्फ और रिटेल इन्वेस्टर, तो बस आपसे एक ही अनुरोध है, आप इनसे दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि बिरला टायर जो है अभी NCLT प्रक्रिया से गुजर रही है। तो हम जाते जाते थोड़ा सा इसके वेबसाइट पे विजिट कर लें। तो आप यहाँ पे देखिए, जो बिरला टायर की वेबसाइट है वहाँ पे आप एक टू व्हीलर टायर बनाते, थ्री व्हीलर बनाते हैं, स्मॉल लाइट एंड कमर्शियल टायर बनाते हैं, ट्रक बस बायस रिलेटेड टायर बनाते हैं, ट्रक बस रेडियल टायर बनाते हैं, फार्म बनाते हैं, माइनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टायर से संबंधित हैं। और टू व्हीलर जो टायर बनते हैं या फिर लाइट ट्रक और बस के टायर बनते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये जो बस और ट्रक के टायर बनाते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अब बस देखते चले जाइए, ये सब टायर ये बनाते हैं। और ये जो टायर है ये वर्तमान में गजब डिमांडेबल है, जिसके कारण ये कंपनी जो है ये लगातार इसको बनाते जा रही है। तो आप भी इस वेबसाइट को विजिट करिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, और आप फिर जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित आप निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इसके वेबसाइट पे ही सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। आप लगातार यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं, तो आप इसमें जाइए और इसको डिटेल से देखिए। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए जो वीडियो के अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। जय हिंद दोस्तों।